हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आज ये गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो फ्रेंड्स, हम आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी तो अक्सर बना के खाते ही रहते हैं, सर्दियां तो है ही, तो बनाइए आप एक नई रेसिपी बिल्कुल अलग तरीके से, जो आपको जरूर पसंद आएगी। चाहे आप इसे बच्चों के टिफिन में दीजिए, नाश्ते में बनाइए, हल्की फुल्की भूख लगी हो शाम को, तब भी आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम लेंगे एक कटोरी मैदा और लेंगे हम एक कटोरी फ्रेंड्स आटा, मिक्सिंग बाउल में हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो फुल आटा के भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। मैदा और आटे को हम अच्छे से हाथों से कर देंगे फ्रेंड मिक्स। इसके बाद हम लेंगे आधे चम्मच नमक। नमक डालने के बाद एक चम्मच लेंगे हम फ्रेंड्स अजवाइन। अजवाइन को हाथों से अच्छे से हमें क्रश कर लेना है, फिर अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे 2-3 चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल। तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, तो मैं बस 2-3 चम्मच के आसपास ही होगा। अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स आटे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं, तो आप घी से भी मोल लगा सकते हैं। अब हमारा मोल लग के हो चुका है तैयार। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स हमें डाल देना है पानी, और अच्छे से हमें बढ़िया सा आटा गूंथ के कर लेना है तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आटा भी गूंथ के हो चुका है तैयार। तो इसको फ्रेंड्स हमें रख देना है साइड में, तब तक हम अगली प्रोसेस करते हैं अपनी। अब लेंगे पैन, पैन में डाल देंगे हम मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे खूब सारा लहसुन, और लहसुन को एक साइड हम इस तरह से फ्रेंड्स बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे बारीक कटा हुआ पनीर। तो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से पीसेस कर लिए थे इस तरह से छोटे छोटे से। एक साइड हम इनको डाल के इस तरह से फ्राई करेंगे, और हम एक साइड डाल देंगे बॉईल किया आलू। मैंने बारीक कट करके रख लिया था इसको पहले ही, और बॉईल करके भी, और हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और फिर डाल देंगे हम बारीक कटी हुई आधी शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई आधी गाजर। तो मैंने आधी गाजर का यूज किया। अगर आपको और सब्जी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और हम अच्छे से इस तरह से कलछली से इनको चला लेंगे, और एक साइड हम पकाएंगे लहसुन की कलियां को जब तक अच्छे से बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन। और हम इसमें अब डाल देंगे आधी चम्मच से भी कम टेस्ट अनुसार नमक, आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधे चम्मच धनिया पाउडर, और सभी मसालों को फ्रेंड्स हमें कर लेना है मिक्स। और इसी तरह से थोड़ी देर फ्रेंड 1 मिनट तक हम इसी मसाले को जो हमने बनाया है मिक्सर, इसको चलाएंगे। और लहसुन को भी हम अच्छे से इस तरह से मैश कर देंगे। अभी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो आप चाहो तो हाथों से इस तरह से मसल सकते हैं। अब लहसुन और ये मिक्सर को हम अच्छे से आपस में कर देंगे फ्रेंड्स मिक्स इस तरह से। तो देखिए हमने लहसुन को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे ऑरिगेनो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और लेंगे हम एक पेरी पेरी मसाला मिक्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से फ्रेंड्स हमें कर लेना है मिक्स। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस, और फिर डालेंगे फ्रेंड्स हमें टोमेटो सॉस 1 चम्मच, और हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो हमने मिक्सर बनाया है तो हमने उसी के अनुसार ये सामग्री थोड़ी या कम ज्यादा नहीं डाली है, थोड़ी सी डाली है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जब हम बैलेंस मसाले रखते हैं। तो हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए स्टफिंग हमारी बन के हो चुकी है तैयार। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको कटोरी में हमने निकाल लिया है, ठंडी हो चुकी है। अब हमने जो आटा गूंथ के रखा था उसकी लेंगे लोई, और चॉपिंग बोर्ड पर हम बढ़िया सी पतली पतली सी इसकी रोटी बनाकर कर लेंगे तैयार। तो देखिए रो फ्रेंड्स, हमारी रोटी बनके हो चुकी है तैयार। तो हम बिल्कुल इस तरह से चाहिए, कटर से हम इस तरह से चारों तरफ से फ्रेंड्स हम कट लगा देंगे, और हमें चौकोर आकार में इस तरह से रोटी को कट कर लेना है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो इस तरह से हम 2 चम्मच इसमें भर देंगे। तो आप कम या ज्यादा स्टफिंग भर सकते हैं। अब हम लेंगे चीज। तो मैंने स्लाइस वाली चीज ली है, आपको जो भी चीज पसंद है आप ले सकते हैं। अब हम चीज के भी 4 टुकड़े कर देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। तो आप चीज कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे से मैंने 4 पीस कर लिए हैं। इस तरह से हम इसके स्टफिंग के ऊपर रख देंगे, और रोटी को जो हमने चौकोर आकार में कट करके रखी है इस तरह से हम फोल्ड करके पानी लगाकर इसको लिफाफा का आकार दे देंगे, यानी पॉकेट का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कवर कर देंगे और बढ़िया से हम चिपका देंगे कि जो हमने चीज सिलाई लगाई है वो निकले नहीं। दूसरी भी रोटी मैंने इसी तरह से बनाकर रख ली है फ्रेंड्स।
और हम स्टफिंग भर देंगे और चीज की सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से फ्रेंड्स हम इस तरह से कवर कर देंगे। तो दूसरी भी मैंने आपको इस तरह से बना के दिखा दी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सभी को बना के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो जो जैसा मैंने सामान सामग्री डाली बैलेंस रखिए, बहुत ही मजेदार बनके होती है तैयार। तो सभी हमारे पॉकेट बनके हो चुके हैं तैयार, यानी लिफाफे। अब हम गैस पे रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को फ्रेंड्स हम होने देंगे गर्म। तो अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे लिफाफा यानी पॉकेट। तो अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो फ्रेंड्स इनको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको जब भी आप बनाए डीप फ्राई करिएगा, बहुत ही मजेदार लगते हैं और ये अंदर से फूल के होते हैं तैयार। तो फ्रेंड्स इस तरह से इनको हमें धीमी आंच पर कर लेना है फ्राई। सच मानिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप इस तरह से जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। हम कचौड़ी पराठे तो आलू की खाते ही रहते हैं, तो आप एक बार इस तरह से बनाइएगा। तो देखिए बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी और हमारी बची हुई हैं, उनको भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स जरूर बना के आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर ये पसंद आएंगी। आप बार बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे और अगर आपने बच्चों को खिला दिया तो बच्चे तो बार बार मांगेंगे, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। इसी तरह से फ्रेंड गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। तो अब ये फ्राई हो चुकी है, तो फ्रेंड्स हम इनको अब प्लेट में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस तरह से जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगी। जब भी बनाइएगा इनको धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने सर्व कर ली है। आप चाहे तो इन्हें टोमेटो सॉस, टमाटर की चटनी, जो भी आपको चटनी पसंद है आप उससे इनको खा सकते हैं। तो सच मानिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनके होती हैं तैयार। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय और टेक केयर।